हका सेंटर से भारतीय जनता पार्टी एवं के संयुक्त प्रत्याशी गुरुदेव शर्मा देवी के हक में वार्ड नंबर 21 सुंदरनगर में माधोपुरी मंडल की ओर से डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से समर्थन मांगा गया। इस मौके पर गुरुदेव शर्मा देवी ने कहा कि लोग पंजाब में फिर से काली भाजपा सरकार बनाने के लिए उतावले हैं, क्योंकि सरकार ने पिछले 10 साल में काम किए हैं। वह भी हल्के में विकास के नाम पर वोट मांग रहे ताकि जीतने के बाद हल्के का चौतरफा विकास हो। इस मौके पर माधोपुरी मंडल के वर्कर ने बताया कि गुरुदेव शर्मा देवी एक स्वच्छ छवि वाले नेता है। अज 21 नंबर वार्ड के इधर प्रसन्न जी ने मैनू बुला के और टांडा जी धीरज जी ने अपने इतने घर मीटिंग रखी और मैं विश्वास दवाया कि तुम असं वो वोटा पा के इतों जिता के भेजेंगे। बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने पिछले 10 साल बहुत काम किए ने, विकास पूरा किया वे और अगों भी असं विकास का साडा नारा वे, विकास के सिर ते असं वोट मंग रहे। असं उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिता है कि इस एरिए तो पूर्ण बहुमत के नाल विजयी बना के पंजाब विधानसभा दे विच बेचांगे, क्योंकि एक वो साफ सुथरी बेदाग छवि दे इंसान ने इस इलाके का चौमुखी विकास करांगे, क्योंकि पिछले 5 साल जो साडा विधायक नहीं सी अपने आप नूं असीं ठगा महसूस कर रहे सीगे, पर सानूं पूर्ण विश्वास है गुरदेव शर्मा देवी जी नूं इस विधानसभा तो विजयी बना के भेजांगे।